मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी में एक स्लोगन है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है मोबाइल मेडिकल यूनिट, शॉर्ट नेम अगर कहा जाए तो MMU। और उसके और थोड़ा बाजू में एक लिखा हुआ है, सहयोगी कहना चाहूँगा, तस्वीर थोड़ा जूम करके दिखाएं, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। यानी कि जो गाड़ी है, और ये गाड़ी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंटीरियर है। और थोड़े पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी काफ़ी बड़ी गाड़ी है, कंप्लीट एसी है, और माननीय भूपेश बघेल जी की बहुत अच्छी यहाँ पर तस्वीर भी है। ये ऊपर जो देख रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और ये जो है थोड़ा बाहर निकलता है, जो ये छावदार बनता है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट किनके लिए आखिर है, तो थोड़ा बता देते हैं। इसमें देखकर आप समझ गए होंगे, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, यानी कि जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, वहाँ के जो नगरवासी हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया है, उनके घर घर जाके इलाज हो। लेकिन ये शहर वालों के लिए है, ग्रामीणों के लिए नहीं है, जो नगरवासी हैं उनके लिए। अच्छी बात है, सरकार की योजना बहुत अच्छी है। फ्री में इलाज के सपना होंगे साकार, अब डॉक्टर मन आगे हमर द्वार। मतलब जो कहने का मतलब है कि अब फ्री में इलाज होगा, सरकार आपकी सपना को पूरा कर रहे हैं, और जो डॉक्टर लोग हैं वो आपके घर आएंगे। और एक और लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता पर हमें गर्व है। और ऊपर लिखा है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। बहुत अच्छी बात है, और सरकार को भी ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, क्योंकि कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर इंसान का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के लिए भी सरकार बहुत पहल कर रही हैं, और शिक्षा का स्तर भी आपको पता है बेहतर करने की सरकार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। अब भैया आप आइए आइए, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा परिचय बताएंगे। सर मेरा नाम मोहन कुमार सोनी हूँ, मैं इस बस का फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं। चलिए थोड़ा सा हमको ना गाड़ी थोड़ा दिखा देते हैं, भीतर का माहौल कैसा है, क्या है देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है, और सहयोगी से कहना चाहूँगा थोड़ा ऊपर आ जाएं, तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पहले मैं आपको इस गाड़ी की बता दूँ। देखिए बाहर में एक यहाँ पर पायलट की है, और ये फार्मासिस्ट के लिए है, ये मेडिसिन के लिए है। यहाँ पर दवाइयाँ पूरी आपको फ्री में मिलेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की पूरी दवाइयाँ हैं, MRP रेट वाली भी दवाइयाँ आपको बढ़िया फ्री में मिल जाएंगी। उसके बाद है ये जो है, और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो ये है पैथोलॉजी लैब, है ना जी। अच्छा, तो ये पैथोलॉजी लैब में क्या क्या जाँच होता है बताएंगे? यहाँ सर ब्लड टेस्ट, शुगर, BP, अराउंडर, मतलब कि कई प्रकार की इलाज सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल, जगह थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो मशीन है, ये मशीन है सेल काउंटर, जिसमें CBC वगैरह बहुत सारी जाँचें हो जाती हैं। और ये जो मशीन है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, यानी कि आपको जो महानगरों में जो जाँच होती है बड़ी, जो जानते हैं वो यहाँ पर आराम से मिजली। ये इंक्यूबेटर मशीन है, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, बकायदा यहाँ पर वॉश बेसिन भी है हाथ वगैरह धोने के लिए। ये तमाम तो सुविधाएं हैं बढ़िया, ये जांच के लिए, बेसिक जांच के लिए। बेसिक नहीं, आप इसमें बहुत सारी जांचें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये दवाइयाँ, बहुत सारी यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं। और ये जो है, आप इसके बाद हम आते हैं तो ये रिसेप्शन जैसा इसमें जगह है, छोटी जगह पर पूरी सुविधाएँ हैं इसमें। उसके बाद ये डॉक्टर के लिए केबिन बना हुआ है, और ये डॉक्टर के लिए केबिन है, बहुत इसमें प्यारा सा इंटीरियर भी है। अगर कुल मिला के अगर कहा जाए तो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ECG भी होता है सर। अच्छा, ये क्या चीज़ होता है? ECG सर। अच्छा, ECG के भी जांच की सुविधा। आप सोचिए, सरकार के बहुत बहुत अच्छी पहल है, और सरकार को इस योजना के लिए साधुवाद भी है, क्योंकि सरकार ने जो योजना निकाली है शहरी लोगों के लिए वो बहुत अच्छी है। सरकार से, अगर सरकार हमारी खबर को देख रहे हैं, तो दिलाल्टेन भी एक अपील करता है कि ऐसी योजना ग्रामीण स्तर के लिए भी कर दे। तो अगर, क्योंकि गांव में बहुत सारी जगहों पर इलाज के लिए लोग समय पर नहीं पहुंच पाते, तो उनको भी सही समय पर इलाज मिल जाएगा अगर ऐसी उनके लिए भी एक आध कोई योजना निकल जाए, उनके लिए भी एक मोबाइल यूनिट हो जाए, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन इसमें एक कमी भी हमको देखने को मिली, हम वो कमी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, इस वैन पर एक बड़ी तस्वीर है, मुख्यमंत्री की यहाँ पर तस्वीर है, और इस गाड़ी के सामने में एक और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, किनकी किनकी तस्वीर लगी हैं। तो माननीय भूपेश बघेल जी की है, और यहाँ पर डॉक्टर डहरिया जी की एक तस्वीर है, शिव डहरिया जी की। ये कैबिनेट मंत्री भी हैं, और नगरीय निकाय जो मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, उनकी भी तस्वीर है। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो डहरिया जी की एक तस्वीर है, और डॉक्टर और पैरामेडिकल टीम की तस्वीर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुशल चिकित्सकों द्वारा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श, अनुभवी एवं प्रशिक्षित
चिकित्सकों की निगरानी में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त पैथोलॉजी टेस्ट के साथ रिपोर्ट की व्यवस्था, ये तमाम यहाँ पर तो लिखी हुई है। और सबो स्वास्थ्य जम्मो सुघर, ये तमाम यहाँ पर स्लोगन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग की ये गाड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी में एक तस्वीर नहीं है। हालांकि ये नगरीय निकाय के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मंत्री की यहाँ पर तस्वीर नहीं है। सोचिए, इसमें एक कमी नज़र आई है। अब वो तस्वीर क्यों नहीं है वो तो सरकार की जिम्मेदारी जाने, लेकिन एक जो कमी दिखी, पूरी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें एक कमी जो दिख गई वो स्वास्थ्य मंत्री की यहाँ पर तस्वीर नहीं है। प्रदेश में कई बातें भी उठकर आती हैं कि जो अभी सरकार है उसमें क्या चल रहा है, लेकिन एक तस्वीर यहाँ से अगर गायब हो जाना, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की और उन्हीं के विभाग की अगर ये गाड़ी है और उन्हीं के विभाग में अगर उनकी तस्वीर गायब हो जाए, तो इसका आप क्या मायने निकालेंगे? आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर देंगे। और ये सरकार की एक योजना है और बहुत अच्छी योजना है, लेकिन एक पल सरकार को और करनी चाहिए। सरकार जो शहरी लोगों के लिए योजना लागू की है, ऐसी एक योजना अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी होता तो और भी बेहतर होता। तो दिलाल्टेन अपील करता है कि जिस तरीके से शहरी स्लम योजना है, वैसी ग्रामीणों के लिए भी एक योजना लागू कर दे। और एक तस्वीर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर देंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। हम Twitter, Insta जैसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार।